अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो नई वीडियो लेके आया हूँ वो गोल्डन मिश्री के ऊपर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शेड बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपना ये अंदाज़ा लगाना कि आपने कितने जो चूज़े पालने हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, जितने भी आपने पालने हो, तो उस हिसाब से आपने 1.5 फीट एक चूज़े को जगह देनी होती है। 1.5 फुट से 1.25 फुट, 1.25 फुट से 1.5 फुट हो जाए, इससे कम ना हो, क्योंकि जब गर्मी आती है तो उसमें इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो उस हिसाब से आप अपना सबसे पहले फॉर्म बना लें, उसके बाद जो है आप इनके पानी के लिए और खाने के लिए जो बर्तन है वो मार्केट से ले लें। वो लेने के बाद आप जो है किसी डीलर से रब्ता कर लें या किसी हेचरी वाले से रब्ता करके चूज़े अपने बुक करवा लें। चूज़े का जो रेट है वो मिक्स चूज़ा जो है वो आपको 17 से 25 रुपए तक का मिल जाएगा, और जो अगर आपने सिर्फ प्योर मुर्गा लेना है तो वो आपको कोई 12 से 15 रुपए तक का मिल जाएगा। और अगर आपने कोई प्योर मुर्गी लेनी हो, यानी कि सिर्फ आपने अंडे निकलवाने हो ना कि गोश्त बेचना हो, तो वो आपको कोई 30 से 40 के करीब मिलेगा। लेकिन अगर आप, ये एक दिन के चूज़ा का है, अगर आप एक माह का या उससे ज़्यादा का लेंगे, यानी कि 1 से 1.5 माह का, तो वो आपको 50 से 60 रुपए का एक चूज़ा मिलेगा। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो एक तो मरेंगे कम, और उनको वैक्सीन जो है वो आप किसी ऐसे पर्सन से लें जो आपको ये इत्मीनान दिलवा दे कि इसको वैक्सीनेशन हुई हुई है। बल्कि कुछ बच्चों चूज़ों को तो हुई हुई होती है, लेकिन बाद का तो ऐसे भी कह देते हैं कि भाई इसको हुई हुई है, लेकिन हुई हुई नहीं होती। चूज़े लेने के बाद जिस तरह हम आपको आज का ये फॉर्म दिखा रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना शेड बनाया। शेड बना के उसके बाद इन्होंने एक अंदर, क्योंकि अब सर्दी थी तो इन्होंने उसके अंदर एक भट्टी लगाई है। नीचे इन्होंने पेपर बिछा के फिर जो है इन्होंने बच्चे डाले, उसके बाद इनको उन्होंने पानी वगैरह और ये सारी खुराक ये सारी दी है। तो व्यूअर्स, आज आपको इस कारोबार के मतलब बता रहे हैं कि ये कैसे होता है। तो अभी जो जिस तरह का ये ट्रेंड चल रहा है हमारा लेयर में, और सॉरी ये ब्रेलर में जो जिस तरह का अभी ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, या लोग इससे थोड़ा सा उकता गए हैं या पीछे हट रहे हैं, तब गोल्डन मिश्री का जो है ये ट्रेंड चल रहा है और लोग अब इसकी तरफ इनका रुझान आ रहा है। तो ये एक अच्छा कारोबार है। इससे इसके दो फायदे होते हैं। अगर आप इसको अभी अप्रैल मई में डाल लेते हैं, अगर अभी भी जितनी देर नहीं है अप्रैल मई में अगर आप लोग डाल लेते हैं, तो ये कहीं जाके सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये अंडे देना शुरू हो जाएंगी। तो आप 3-4 माह सर्दियों का इससे अंडे लें, उसके बाद जो ही फरवरी या मार्च क्लोज होने लगे आप इनको ऐसा ऐसा सारे को सेल कर दें, तो इससे आपको डबल अर्निंग हो जाएगी। एक तो आपको अंडों से पैसे मिल जाएंगे, दूसरा जो है आपको चूजो जो है मुर्गी जो होगी उससे भी पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है इसको देखें और इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, अभी आप देखें और कि फिज़िकली ये कैसे होता है। हम आपको जो इस फॉर्म का जो वर्कर है, तो मालक तो अभी हमें मिला नहीं है, जो वर्कर है वो उसको हम दिखाते हैं कि वो कैसे जो है अपने इस फॉर्म को संभाल रहा और चला। तो ए वंडा जे फीड चूचे की खुराक, ठीक है। ते ए अगे दूसरा आसमान है, पानी रखना आसमान अगे पीछे। ते जदों चूचा आना है होंगी ए जगह है, ए अपना ना ए भट्ठी चालू की है। ते ए भट्ठी है सेक वास्ते उन्होंने, ताकि गरमैश रानी पैदी। ते ए जनाब अपना इंदे उत्ते बच्चा आवेगा, 10 डंग इंदे ते बच्चा रवेगा, इंदे उत्ते खुराक पवेगी, इंदे उत्ते सारा कुछ होगा। ते ए पर्दा नाल ला दिता है बच्चा, ताकि चूचे इधर ना हो जा। जदों थोड़ा जा वडेरा होना है उदों चूचा अगे निकलते जाना है, इधर पिछा ए पर्दा हटदा जाएगा, ठीक है। ए जनाब ए सरकार जी है सारा कुछ। बिजली की वायरिंग हो गई है, तोड़
ਐ ਓਲਡਰ ਲਮਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਚੂਚੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੂਚੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਚੂਚੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ 1, 2, 3, ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੇਕ ਵਾਸਤੇ ਬੱਠੀ ਏ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੇਕ ਏ, ਢੇਰ ਹੀ ਸੇਕ ਏ, ਅੰਦਰ ਪਸੀਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੇਕ ਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਲੀਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੂਚੇ ਵੀ ਐਣ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਚੂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਵਾਜ ਚੂਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੂਚਾ ਉਹ ਦੂਰ ਪਵੇ ਭੱਠੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਚੂਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਜ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੱਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਲਾ ਛੱਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਬਾਲਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਬਜਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ
3000 ਥੋੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕਾ ਤੇ ਸ਼ੈਡ ਵੈਸੇ ਠੀਕਾ ਹੈ ਮੈਡਮਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ जी व्यूअर्स, आपने आज हमारी गोल्डन मिस्री के ऊपर वीडियो देखी। बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, व्यू करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हम जो ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास इसका इंटीमेशन आ जाए। अभी आप हमें नेक्स्ट हमारी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।